हरियाणा में 105 सरकारी स्कूल बंद किए जाने के विरोध में आम आदमी पार्टी पिहोवा इकाई ने गांव सेंसा के सरकारी स्कूल के बाहर प्रदर्शन कर सरकारी स्कूलों को बहाल करने की मांग की। आम आदमी पार्टी के नेता एवं पूर्व मंत्री बलबीर सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा के 105 सरकारी स्कूलों को बंद करने का तुगलकी फरमान जारी किया गया है, जिसके विरोध में पिहोवा के गाँव सेंसा के सरकारी स्कूल के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रोष प्रदर्शन कर सरकारी स्कूलों को बहाल करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकारों का काम स्कूल खोलने का होता है, न कि बंद करने का। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्य दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, जिसमें सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छा बनाया गया है, जिसमें बच्चे अपना भविष्य बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक हरियाणा सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेती, तब तक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे ही हरियाणा के स्कूलों के बाहर धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। देखिए, हरियाणा सरकार हरियाणा प्रदेश में शिक्षा को चौपट करना चाहती है। उन्होंने एक फैसला लिया कि 105 स्कूल मिडिल स्कूल हरियाणा प्रदेश में बंद किए जाए, जिनमें से 14 स्कूल जिला कुरुक्षेत्र के हैं और उन 14 स्कूलों में से 3 स्कूल पिहोवा विधानसभा क्षेत्र के हैं, जिनमें एक स्कूल गांव सेंसा का है, दूसरा शेरगढ़ गांव का और तीसरा है बाखरी प्लाट नंबर 5 का। तो आज हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गांव सेंसा में जाकर के प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह था, गाँव वालों ने बड़ा साथ दिया, सैकड़ों की संख्या में वहाँ लोग मौजूद थे। अफसोस और दुख इस बात का है कि सरकार कहती है कि उन स्कूलों में बच्चों की संख्या पूरी नहीं, लेकिन मैं सरकार से एक बात पूछना चाहता हूं, क्या बच्चों की कमी में सरकार की अहम भूमिका नहीं? यदि अच्छी तरह से सभी सुविधाएं दी जाए, वहाँ अध्यापकों का प्रबंध किया जाए, बच्चों को और अन्य सुविधाएं दी जाए, अच्छी पढ़ाई करें, तो लोग प्राइवेट स्कूलों की तरफ क्यों जाएंगे? तो लोग सर प्राइवेट स्कूलों को, दिल्ली में प्राइवेट स्कूल सारे समाप्त हैं, प्राइवेट स्कूलों में से बच्चे अपने नाम कटवा कटवा करके आज सरकारी स्कूलों में वहाँ अप्रोच लगवा लगवा करके आज वो वहाँ दाखिले ले रहे हैं। तो यदि सरकार शिक्षा की तरफ अच्छी तरह से ध्यान दे, तो सरकारी स्कूलों में भी शिक्षा अच्छी मिल सकती है और बच्चों का रुझान भी सरकारी स्कूलों की तरफ बढ़ेगा। लेकिन दुख इस बात का है कि आज मैं अखबार पढ़ रहा था, मनीष सिसोदिया जी दिल्ली के डिप्टी सीएम है और शिक्षा मंत्री भी है, लेकिन सीबीआई ईडी आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनके पीछे लगा रखी है और एक साजिश के तहत। पिहोवा से जसविंदर सिंह, राज की रिपोर्ट।